बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल एक बेहतरीन और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है। विक्की ने अपने करियर में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम समेत कई सुपरहिट फिल्में की है। अब वहां जल्द ही सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित फिल्म सैम बहादुर में नजर आने वाले है। बता दें कि हाल ही में विक्की ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सवालों पर बात की है। साथ ही उन्होंने यहाँ भी बताया कि उन्हें भारतीय सेना के किरदार निभाने में सबसे ज्यादा मजा क्यों आता है। विक्की ने बिग बिला मास्टर क्लास को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह सेना की भूमिका क्यों निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब मुझे अपने किरदारों के लिए भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलता है तो मुझे वास्तव में एक चीज पसंद आती है, वह यहाँ है कि मुझे भारतीय सेना के साथ काफी बातचीत करने का मौका मिलता है। वही इसके आगे विक्की ने बताया कि सेना में लोग गंभीर दिख सकते हैं लेकिन वास्तव में वे बहुत चंचल है। विक्की ने शेयर किया कि सैम बहादुर की शूटिंग से पहले 3 दिनों तक वह पुणे के पास मराठा रेजिमेंट के साथ रहे और उन्होंने वहाँ खूब अच्छा समय बिताया। वे मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे, दिलचस्प कहानी शेयर करते थे और मजाक भी करते थे। सुबह 3 बजे तक वहाँ बाहर घूमते थे और फिर सुबह 5 बजे उठकर 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे, जिसके बाद वे बास्केटबॉल का खेल खेलते थे। इसके आगे उन्होंने बताया कि इस यात्रा के बारे में सबसे अच्छी बात यह महसूस हुई कि उनके साथ किसी बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया गया बल्कि उनके साथ उनके अपने जैसा व्यवहार किया गया। बता दें कि मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने वाली है। बड़े पर्दे पर इस फिल्म की टक्कर रणवीर कपूर स्टारर एनिमल से होगी। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।